नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 24 घंटे के भीतर अधिवक्ता प्रकाश यादव हत्याकांड का उद्भेदन, अमूल्य कर्मकार ने दी थी सुपारी, तीनों गिरफ्तार। अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी कामकाज रखा ठप, जमशेदपुर न्यायालय में छाई वीरानी। शहर में एक दिन में रिकॉर्ड 84 पॉजिटिव मरीज मिले, 48 घंटे में 11 लोगों की मौत। और झमाझम बारिश से शहर हुआ तर, साक्षी में बाइक सवार पर गिरा पेड़। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अधिवक्ता एवं भाजपा नेता प्रकाश यादव हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के भीतर करते हुए जिला पुलिस ने साजिशकर्ता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए छोटू और जीतू मुंडा ने पूछताछ में यह स्वीकार कर लिया है कि अमूल्य कर्मकार ने उन्हें हत्या की सुपारी दी थी। दोनों मृतक अधिवक्ता के घर के पास ही रहते हैं। हत्या के लिए अमूल्य कर्मकार ने दोनों को अग्रिम राशि भी दी थी। हरी मंदिर के पास छोटकू और जीतू मुंडा ने रॉड और कटारी से हमला कर प्रकाश यादव की हत्या कर दी थी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और SSP तमिलवानन ने पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डाला। और 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से इसको अनुसंधान करते हुए छापामारी कर जो भी आदमी इसमें शामिल है 11 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और काफ़ी सारा इसमें एविडेंस जो है घटना के इस्तेमाल किया गया, हथियार, पैसा का एडवांस और मोबाइल और उनके जो पहना गया वस्त्र है ये सब हम लोग उसमें कलेक्ट करा गए हैं। और इसमें मेनली मोटिव ये है कि जो सरगना है अमूल्य कर्म का, ये बिरसा नगर Zone 1B में जमीन का कारोबार करते हैं और पिछले 5-6 साल से मृतक से उनका कुछ प्रॉब्लम था। उनके स्वकरा के बयान में यही बताया गया है कि जब जब हम कोई ज़मीन में खरीदने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, इनके द्वारा उसमें लिखा पढ़ी करके पिटीशन डाल के अड़ंगा लगाते हैं, फिर हमसे पैसा मांगते हैं। पैसा मांगने के अलावा भी बोलते हैं कि पैर पकड़ के हम तुमसे पैसा लेंगे। ऐसे करके व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत दिनों से इन लोगों के बीच में आ रहा था, तो वो उनको रास्ता से हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बीच में प्लान बना रहे थे। अधिवक्ता एवं भाजपा नेता प्रकाश यादव हत्याकांड के दूसरे दिन भी जमशेदपुर न्यायालय में कामकाज ठप रहा और अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। अधिवक्ता एवं भाजपा नेता प्रकाश यादव की जघन्य हत्याकांड के विरोध में जमशेदपुर बार एसोसिएशन ने कामकाज ठप रखा है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हथियारों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हत्याकांड के दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत कुमार अम्बस्ट ने कहा कि हत्याकांड में राजनीतिक दलों द्वारा जैसे बयानबाजी की जा रही है उससे जांच प्रक्रिया बाधित हो सकती है। बता हूं कि इस हत्या के मामले को लेकर के विभिन्न राजनीतिक पार्टी अलग अलग अपना जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे अनुसंधान का दिशा में बाधक हो रहा। हम चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके बिना किसी दबाव का अनुसंधान पूरा करे और त्वरित न्यायालय में इस कार्रवाई को लाया जाए और जल्द से जल्द सजा दिलाने के अनुरूप साक्ष्य संकलन करे और हम उसका सपोर्ट करेंगे। इसलिए मेरा अपील है कि राजनीतिक लोग इस मामले में हट जाएं। टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना से एक और मरीज की मौत की खबर आई है। मृतक कदमा का रहने वाला था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मृतक कदमा का रहने वाला था और उसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। उसे सांस लेने में दिक्कत के बाद TMH में भर्ती कराया गया था। 21 जुलाई को उसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था। इस प्रकार टाटा मुख अस्पताल में अब कोरोना पीड़ित मरीजों के मरने की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इस प्रकार पिछले 48 घंटे में 11 मौतें हुई हैं। दूसरी तरफ शहर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और सबसे ज़्यादा 84 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके बाद शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,075 हो गई है। जमशेदपुर में गुरुवार को झमाझम बारिश से पूरा शहर तर हो गया। मानसून के आने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब एक साथ इतनी बारिश हुई हो। मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था पर 2 घंटे में 70 mm बारिश होगी इसका अंदाजा नहीं था। गुरुवार को दोपहर तक शुष्क मौसम था पर अचानक घूमरते बादलों ने आकाश में डेरा जमाया और पूरे शहर में झमाझम बारिश आरंभ हो गई। बारिश की रफ्तार इतनी थी कि पूरे शहर की रफ्तार थम गई। 2 घंटे में 70 mm बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और रुक रुक कर बारिश जारी है। जमशेदपुर में जन मुद्दों की मांग को लेकर किसान सभा और ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर आम लोगों की सुरक्षा सहित
अन्य मांगों को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा है। किसानों की आजीविका और मजदूर वर्ग की आजीविका को लेकर उन्होंने एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा। सब भारतीय स्तर पर CITU सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन और AIKS ऑल इंडिया किसान सभा दोनों एक मंच पर आए हैं और सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीति के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पता करें। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 9162974533। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर चांडिल अनुमंडल में भी अधिवक्ताओं ने प्रकाश यादव की हत्या पर दुख प्रकट करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ने इस हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की है। चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन की ओर से हम सभी अधिवक्ता टाइपिस्ट मोहरी संयुक्त मिलकर हम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किए। इस शोक सभा में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हमारे यादव जी नहीं रहे हमारे बीच में, और काफ़ी युवा एवं कर्मठ अधिवक्ता में से थे। उनका लगभग इस कम उम्र में से काफ़ी हुए अपना अग्रसर कर चुके थे और उसका निर्मम जो हत्या हुआ, हम लोग उसको बारीकी से सभी चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और सर, हाल ही में JVM से भाजपा में शामिल होने वाले अभय सिंह ने विधायक सरयू राय पर जुबानी हमला बोला है। मुद्दा था प्रकाश यादव हत्याकांड। कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपना मुस्सा बुरा न कोई। स्वर्णेखा नापते नापते लोगों की जमीन नापेंगे, लोगों का छाती नापेंगे तो सब नहीं चलेगा। ईमानदारी का प्रकाष्ठा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जिल्द की किताब लेकर के दिल्ली बैठे रहे और एपिसोड का खेल खेलना तो मैराथन खेलेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ कोई सट्टा मटका खेल करके नेता नहीं बने हैं, संघर्ष करके नेता बने हैं। जो थाना की दलाली करता हो उनको ये ब्याज और सूद समझाना, हमें ब्याज सूद नहीं आता, हम सीधा सीधी खेल खेलते हैं। आप सूद खेलोगे, मैं चक्रवृद्धि ब्याज खेलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से खेलेंगे।
जमशेदपुर की जनता आज पछता रही है कि व्यक्ति का लाश गिर गया, उस पर आप उसको बचाने में लगे। कैसे होगा भाई? आपने सोचा कि वो व्यक्ति स्कॉर्पियो कैसे मेंटेन किया, वो व्यक्ति इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाया, उनके बिजनेस क्या है, उनके काम क्या है, उनके स्रोत क्या है, उनके अगल बगल रहने वालों का स्रोत क्या है। साक्षी लॉयला फ्लैट्स के पास एक बाइक सवार पर अचानक पेड़ गिर जाने से वो घायल हो गया, मगर हेलमेट होने की वजह से उसे गंभीर चोट नहीं आई है। गुरुवार को साक्षी लॉयला फ्लैट्स के पास एक बाइक सवार पर अचानक पेड़ गिर गया, इससे वो घायल हो गया और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि हेलमेट पहने होने के कारण उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। आ रहा था तदमा से, और जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया तो पेड़ अचानक से मेरे ऊपर गिर गया, और क्योंकि मैं हेलमेट पहना हुआ था तो बच गया, भगवान का लाख लाख शुक्र। बागबेड़ा से आए लोगों ने सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत जिले के उपायुक्त से की है। बागबेड़ा से आए मनीष कुमार टाटा स्टील कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर के पास सरकारी भूमि पर कुछ दबंग लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। उनके द्वारा ऑपरेशन करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय थाना में कई बार शिकायत की है पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला सरकारी जमीन 7000 स्क्वायर फीट है, उसका दबंगों प्रेमनाथ मिश्रा और प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, और अगर मैं उसका विरोध करता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।